भाई स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीप, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों अभी हमें कोटा बाग में निकलेंगे अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ, और रास्ते में पड़ेगा ज़बरदस्त जंगल, आएगा मज़ा, मिलेगी वाइल्ड लाइफ ज़बरदस्त। सो बने रहे वीडियो के साथ। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। जिसने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक आईडी को, तो साइड में लिखा हुआ है आईडी वाइल्ड जंगल ड्राइव नेम से, ये दोनों, तो उसको भी फॉलो करें, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाएं। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं एलिफेंट कॉरिडोर के पास से, जहाँ कॉरिडोर ही कॉरिडोर है। कहीं से भी हाथी इस साइड से इधर जा सकते हैं या इस साइड से इधर जा सकते हो। यहीं खड़े हैं अंकल जी, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं भाई। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, लेपर्ड का भी इलाका है। आज आप मौसम भी देख सकते हैं, धूप है लेकिन धुंध थोड़ी ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि 25% हेजीनेस टाइप की लग रही है मेरे हिसाब से। अभी दिखे हमें कुछ चीतल हिरण, जिसे बोलते हैं स्पॉटेड डियर, और साथ ही एक बड़ा लंगूर। तो आप देख सकते हैं अभी हम हैं टाइगर की टेरिटरी में, और यहाँ देखें आप कार से उतरे हुए दो लोग, क्या बोलूँ इनको, यहाँ टाइगर बना हुआ है, उनको दिखना चाहिए, साफ साफ बना हुआ है, योर वेस्ट माई होम। लेकिन इंसान जो है पढ़कर भी अनजान बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, शुरुआत हो गई ज़बरदस्त जंगल की। गुज़र रहे हैं टाइगर की टेरिटरी के पास से हम, और ये रोड जंगल के बीच से होती हुई जाती है। एक सिंह वाला मेल, एक सिंह वाला मेल है वो पीछे। ये जो हिरन दिख रहा है इसका एक सिंह है। आगे करूँ हल्का सा। अभी जो है हमें एक यूनिक स्पॉटेड डियर मिला मेल, जिसका एक एंटलर टूटा हुआ था, एक एंटलर सीधा था, बिल्कुल अच्छा खासा ग्रोन था वो एंटलर। तो ये तो लड़ाई में टूटा है। और ये पीकॉक सामने बुला रहा है ना, सोचा थोड़ा मोहान से आगे की ओर होकर आया जाए। तो जाते हैं देखते हैं क्या है जंगल में स्थिति, क्या है हलचल। अभी तक तो बहुत सुंदर दिखता हुआ जंगल। ये बर्डिंग का बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ बर्डिंग होती है। रोड किनारे पार्किंग डियर, हमें पता भी नहीं चला। क्यों भागा एकदम से? अभी तो ये एक हिस्सा था जंगल का जो मैंने दिखाया आपको, और इससे पहले इतने सालों से हम इन जंगलों में घूमते आ रहे हैं, आपको डेली वीडियोस दे रहे हैं जंगल की, उसमें अपना बाइक से ड्राइव करते हुए इसी रोड से लगभग लगभग सारी वाइल्ड लाइफ हमने दिखा दी है।
तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी करिएगा। और बाकी अभी दिन बाकी है, लगभग अभी बजा होगा 3:45 या 2:30, तो समय बहुत है, घूमते हैं जंगल में। और जब घूमेंगे आप तब मिलती है वाइल्ड लाइफ, ऐसे नहीं मिलती, तो बने रहें। और वाइल्ड लाइफ रोज़ हम दिखाते हैं, लगभग रोज़ रात 8 बजे आप जुड़ जाएं हमसे और वीडियो को देखें, अपना प्यार दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट नहीं करते लोग, वीडियो ज़रूर देख लेते हैं। देखिए मेहनत लगती है हर चीज़ में, मैं आपको पहले बता दूं। अभी आप कहोगे कि बाइक पे घूम रहे हो क्या मेहनत है, लेकिन जंगल में घूमना अपना में एक रिस्क है, तो हम आपको वो रिस्क लेकर इतनी वीडियो आपको दे रहे हैं, वो भी रोज़। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई भी कमी लगी वीडियो में बताएं, उसमें सुधार होगा बिल्कुल। अब ये थोड़ी है कि कुछ कमी है तो आप बताएंगे नहीं, आपसे ही पता लगेगा हमें। मैं तो जो करूँगा मेरे लिए अच्छा होगा ना, मैं तो हर चीज़ सोचूंगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा करा काम। देखो किया तो है, अब ऐसी चीज़ें रेयर चीज़ें मिलती नहीं है ना, जिसको हम रिकॉर्ड कर करके दिखा रहे हैं आपको। तो वाइल्ड लाइफ हमने बहुत सारी दिखा दी है, उसको देखें आप चैनल पेज में जाएं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे तो जुड़ जाएं हमसे लॉन्ग टाइम के लिए। मज़ा आ गया यार, दो हेल्दी सॉम्बर डियर और मिले। टाइगर की टेरिटरी दूर दूर तक फैली हुई होती है जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं। स्पॉटेड डियर हैं, यहाँ स्पॉटेड डियर हैं, सॉम्बर डियर की अभी कॉल आई है इस एरिया से। कल लेपर्ड और टाइगर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, बहुत अंदर से आई थी ना। हाँ तो रहने दो, फिर जब बैठे हैं तो रिलैक्स्ड है। तुमने कॉल क्यों करी होगी यार, देखो देखो वो आगे तो क्या कोई और नहीं, किसी और ने करी। हाँ यार देखो यार, सामने तो देख के करता। अलर्ट हो गए हैं पूरे, वही ढूंढ रहा हूँ मैं, शायद टाइगर दिख जाए, कॉल तो हो रही है। वही है, आगे वाले ने किया, आगे वाले ने तेज आई है।
छोटे सिंग वाले की हार हुई, छोटे एंटलर वाले की ना हार हो गई, वो दूसरे वाले का बड़े हैं अभी। तो खुले में बहुत शानदार दिखेगा ना, एकदम क्लियर दिखेगा बिल्कुल। पूरी वीडियो ना यूट्यूब पे डाल रखी है। अच्छा, मज़ा ही आ रहा है। उस दिन आपका वो चैनल बताना मुझे, वाइल्ड जंगल ड्राइव। हाँ काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, अब जो है ना निकलने का समय हो गया। कभी कभी लेट हो जा रही है, देखिए इतनी ठंड हो रही है अब, मुंह की जो भाप है ना वाइज़र पे जम रही है। अब गाड़ी हल्की चलाने पे होता है ऐसा, तो देख सकते हैं आप ज़बरदस्त खाली सड़क, टाइगर का इलाका, यहाँ से गुजरते हुए हम दो भाई। खैर ये तो रास्ता है, गाड़ियाँ तो आएंगी आएंगी और कभी कभी सुनसान भी हो जाता है। और अब जो है कोशिश रहेगी कि फटाफट अपना घर पहुँचे जाए। देख रहे हैं आप बिल्कुल सुनसान सन्नाटा, रेनकोट हमने पहन लिया अभी, अब जैकेटें थोड़े धूप दिखाई गई हैं तो उसको अब पहन के आना शुरू करेंगे, क्योंकि हवा जो है ठंडी होना शुरू हो चुकी है। बाकी बाकी रात में तो ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक और सुनसान हो जाता है, और ये वैसे भी डेंजरस रोड कह सकते हैं आप, क्योंकि सामने ना कॉरिडोर है और घास भी है, बहुत ही रिस्की बैंड है। तो वाइल्ड लाइफ तो यहाँ से क्रॉस होती होती है, रिस्की इसलिए कह रहा हूँ कि हम बस आ रहे हैं, अपना गाड़ी स्लो हो, अगर वाइल्ड लाइफ क्रॉस कर रही है उसको बस आनी नहीं पहुँचनी चाहिए, ये अपनी कोशिश रहनी चाहिए, गाड़ी को हल्की चलाएं, और वाइल्ड लाइफ क्रॉस कर रही है उसका प्रथम अधिकार है उसे जाने दें, चाहे अंधेरा क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ हाथी में थोड़ा रिस्क हो जाता है, अगर हाथी क्रॉस कर रहा है तो बहुत संभल के गाड़ी को रोकना भी है उसकी डिस्टेंस में, मतलब अच्छे, वरना वो एकदम से चार्ज भी कर देता है। बस कर मखना एलिफेंट, काफ़ी गड्ढे वाली रोड है ये, पानी को क्रॉस करते हैं धीरे धीरे। ये तो अभी खुला खुला दिखता है कि एक टाइम पर तो ऐसा घना जंगल लगता था ना ये, अभी तो यहाँ काम छिड़ा हुआ है कुछ सालों से, वरना बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये, 80% टाइगर साइटिंग या टाइगर निकलता था यहाँ से क्रॉस होता था। ये मैं साइटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं रिस्क के लिए कह रहा हूँ, रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा था और अब भी है, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें अपनी गाड़ी पर रहें और चलते रहें चुपचाप, अब देखें आप ये अपना हाईवे है, लेकिन दोनों तरफ अगर निगाह मार के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ चलती हुई या चढ़ती हुई खाती हुई मिल ही जाएगी। बस डेंजरस है लेपर्ड, बियर, टाइगर, एलिफेंट, ये बिग एनिमल्स हैं, इनसे तो थोड़ा डिस्टेंस बना के ही रखना है, और डिस्टेंस तो हर वाइल्ड लाइफ के लिए ही होना चाहिए। अगर लग रहा है आपको कि वाइल्ड लाइफ क्रॉस करने वाली है तो आप उसे क्रॉस करने दें पहले। मैं तो जहाँ तक हो सकता है कि यही करता हूँ, अब आगे लगता है कि हाँ अभी नहीं है क्रॉस और नहीं है उसका मन क्रॉस करने का, फेस से पता लग जाता है कि किस साइड देखना चाह रहा है वो और कदमों से। खैर अभी तो जंगल बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी अपना पावरगढ़ भी तो है बाकी, भले अभी कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन वो जंगल अपने आप में एक ज़बरदस्त है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एरिया है यहाँ पे। ओह गड्ढे 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 गड्ढे, यहाँ पे भी डियर क्रॉसिंग होती है बहुत, और साइटिंग भी। हाथी जो है जहाँ रास्ता बनाता है ना उसी रास्ते पर पूरी वाइल्ड लाइफ जितनी भी है वो जाती है,
ये जगह भी खतरनाक है, मतलब एक एक मोड़ आएगा ना, हर एक जगह खतरनाक ही है। बाकी इसके बाद आता है अब आबादी क्षेत्र कुछ दूरी के लिए। भाई साहब रिंगौरा का जंगल है, रिंगौरा का, वो भी रात में। ये बना देखिए बोर्ड पे टाइगर, क्या पता यहाँ कॉल होके रुकी हो हम उस टाइम पहुँच जाएं। इसमें तो परफेक्ट टाइमिंग ही काम आती है। मान लीजिए आपकी वीडियो चल रही है, आपके आगे से निकल गया हाथी की लीद, देखिए पड़ी हुई है, मतलब हाथी क्रॉस हो चुका है यहाँ से। हाईवे है, हाईवे, लेकिन एलिफेंट क्रॉसिंग एंड टाइगर लेपर्ड एक्सेट्रा वाइल्ड लाइफ डियर्स जो क्रॉस करते हैं, बोर्ड के साइन जो होते हैं ना इसलिए बने होते हैं कि प्रॉपर कॉरिडोर होगा वहाँ पर, तो वहाँ से वो गुजरते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है, या ये जो रोड के साइड में जितनी है इसके थ्रू। क्या अंधेरा है, क्या डार्कनेस है, सुनसान हो रही है भी सड़क। हाईवे है, गाड़ी तो मिलेंगी लेकिन खतरनाक। ये देखो एक और बोर्ड पे टाइगर बना हुआ है, ट्रायंगल शेप वाला जो था उसमें। लो जी आ गया अपना बैल पड़ा हुआ गेट, यहाँ से शुरुआत होगी थोड़ी देर बाद जंगल की। देख रहे हैं आप अंधेरा दोस्तों, टस्कर एलिफेंट है वो जा रहा। मैंने कहा था ना बैल पड़ाव से एंट्री लेते ही यहाँ हाथी खाई है, तो ये वापस जा रहा है क्योंकि इसे रास्ता नहीं मिला, वरना रोड पे होता अभी। ओ भाई टस्कर है दोस्तों, टस्कर सॉलिड। भाई स्टार्ट करो, दोस्तों टस्कर एलिफेंट है वो जा रहा। मैंने कहा था ना बैल पड़ाव से एंट्री लेते ही यहाँ हाथी खाई है, तो ये वापस जा रहा है क्योंकि इसे रास्ता नहीं मिला, वरना रोड पे होता अभी। ओ भाई टस्कर है दोस्तों, टस्कर सॉलिड। आसपास देख लो यार, ग्रुप तो नहीं है। ओ देख रहे हैं आप दोस्तों, वो जा रहा है अंदर। तो दोस्तों फाइनली हमें मिल गया रात में पावलगढ़ के जंगल में टस्कर। बैल पड़ाव गेट से एंट्री ही ली थी अभी, एकदम से निगाह पड़ी हमारे किसकी, छोटे भाई की, मतलब फैसल की। बोले एकदम से टस्क दिखे उसके चमकते हुए लाइट में, और माशाल्लाह लाइट भी ऐसी है ज़बरदस्त लगी हुई कि कुछ भी होगा ना आगे से निकलने वाला वो भी दिख जाएगा। अब गोप्रो में कितना दिखा ये नहीं पता, लेकिन अब मोबाइल से भी वो दिखा। वो बहुत पहले क्रॉस कर देता, और रीज़न क्या था, हाथी खाई। जी हाँ, हाथी खाई क्या होती है इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। यह हाथी खाई सड़क के दोनों ओर, जी हाँ दोनों, अगर दोनों ओर जहाँ पर जंगल है तो वहाँ बॉर्डर पे उसको तीन तीन चार चार फीट की गहरी खाई खोदी जाती है, ताकि उसमें से मिट्टी निकाल के ना ऐसे ढेर लगा दिया जाता है, मिट्टी हटा दी जाती है। लेकिन ये सड़क के किनारे किनारे गड्ढा कर दिया जाता है लाइन से लगातार, जिससे जो कॉरिडोर वाला एरिया होता है ना जहाँ से बड़े बड़े जीव जंतु आ जाते हैं, वो अचानक से गाड़ी के आगे नहीं आ पाएंगे। तो अपने हिसाब से वो आएंगे, और नहीं तो वो अपना अंदर ही अपना खाना खाते रहेंगे, ये चीज़ कर सकते हैं वो। तो हाथी खाई में ये होता है कि कंक्लूज़न ये है कि 4 फीट के गड्ढे, ताकि हाथी उसे पार ना कर सके। और काफ़ी लोगों की भूल होती है कि हाथी चढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन हाथी चढ़ाई भी कर सकता है, मैं आपको बता दूं।
तो फिलहाल अभी तक की वाइल्ड लाइफ अपनी ये रही है, अभी तो जंगल की शुरुआत हुई है, बने रहें और मज़ा आ गया जी। छोटे भाई ने दिखा दिया टस्कर, अचानक से मैं तो जा रहा था सीधे सीधे उसको टस्क चमके, तब अभी आ गया घना जंगल, अभी तो शुरुआत थी तो टस्कर मिला। बस ये है कि दुआ कि अब जो है ना हाथी खाई आगे ज़्यादा नहीं मिलने वाली इस एरिया में, ये ख़तरनाक इलाका, ये क्लोज एनकाउंटर होगा, चाहे भालू है, टाइगर है, हाथी है, ये जो एरिया है इसमें तो क्लोज एनकाउंटर, इसमें हाथी खाई नहीं है शायद, लेकिन सीधे हाथ पे नहर ज़रूर है, ये भी मैं आपको बता दूं। पीछे से गाड़ी आ रही क्या? तो यार वाइल्ड लाइफ तो आपको मैंने दिखा दी, मैंने सुबह बोला था दिन में जाते हो, पता नहीं मेरी बोली बात थी कि इस रोड पे मैं आपको हाथी दिखा के रहूँगा, 5-6 दिन होगा, जितने भी दिन होगा लगातार हम इस रात में आ रहे हैं तो नहीं दिखा, आप लोग सोचते होंगे ये चीज़ मैंने बोली दिन में, हाँ याद आ गई मुझे, मैंने दिन में बोला है, तो उस चीज़ का जो है वो हो गई मतलब सक्सेस। हाथी भी दिखाया तो इक्कड़ हाथी, वो भी टस्कर, अकेला हाथी था वो, और थोड़ा सा हो सकता है ना मैंने एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़ोर से बोल दिया हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा क्वाइटली आराम से बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा वाइब्रेट हो गया होगा माइक, थोड़ा सा लाउडली बोलूँगा ना, तो अभी भी लेकिन जंगल बाकी है दोस्तों, ये वो जंगल है जहाँ पे सीवेट, पॉर्क्यूपाइन, मतलब नॉक टनल तो ऐसे घूमते हुए देखते हैं कि पूछिए मत। वाह क्या साइड ही हुए यार, टस्कर था, हम उसे अपना उसे खाते हुए छोड़ के आ गए हैं, बस सोचा आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए, अपना वो रास्ता ढूंढ लेगा क्योंकि मैंने देखा एक रास्ता जहाँ मिल रहा है तो वो थोड़ा हो सकता है 9-10 बजे करीबन निकल आएगा और रोड पे पक्का, लेकिन क्या टस्क थे उसके यार, ओहो बेहतरीन। उसको हम उसे खाते हुए ना छोड़ के आए हैं, खा रहा है वो आराम से, लेकिन पहले वो रास्ता पार करने की सोच रहा था इसलिए वो किनारे पर था, वो कितना बड़ा लग रहा था यार जब पास था, अरे बाप रे बहुत बड़ा। ओ ये क्या खड़ी कार, बंद है यार, ओ भाई अरे यार टस्क आया हुआ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है ही कितना दूर, वो घूमता घामता आ गया तो दिक्कत में आ जाएगा मसला, मतलब बात यह है कि उसको छोड़ो अपने आगे ना आ जाए कुछ, जब ये एकड़ हाथी है क्या पता आप ग्रुप भी आया हुआ हो, समझ रहे हो बात को, ग्रुप भी आया हुआ हो सकता है या आने वाला हो, क्या पता आने वाले दिनों में मिल जाए। भैया हम तो चुपचाप सेंटर में चलने वाले हैं, ज़बरदस्त नाइट ड्राइव हो गई है ये, ज़बरदस्त नाइट राइड हो गई है कह सकते हैं प्रकार से, क्योंकि अभी तक तो हम बाइक पर ही हैं, ड्राइव कब होगी ये नहीं पता, बस आप लोगों का प्यार आप लोगों के साथ बने रहे। ये तो खैर हम अपना घर जा रहे थे, बैल पड़ाव गेट से अंदर एंट्री ही ली थी, मैंने कहा था ना शुरुआत हो गई जंगल की, बस वहीं पे थी आती हाई, वहीं दिख गया टस्कर एलिफेंट, कम से कम ये 25+ या 30+ है वो टस्कर जो है, टस्क अच्छे खासे थे, उसकी स्किन देख के पता लग रहा था कि हाँ थोड़ा एज है इसकी ठीक ठाक, इसलिए वो अकेला है। करीबन 2 किलोमीटर चढ़ाई वाला जंगल चढ़ने के बाद अब आइए सीधी रोड, तो सोचिए इस रोड पे भी हमने हाथियों का झुंड, जी हाँ हाथियों का झुंड हमने क्रॉस करता हुआ दिखाया है, वो करीबन 1 साल से ज़्यादा की बात हो गई होगी वो, लेकिन वो वीडियो पड़ी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाएं उसको भी देखें, और बहुत सारे हाथी हमने अब तक अपने चैनल पर दिखा दिए हैं, तो एलिफेंट साइटिंग करके शायद एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जितने हाथी उसमें मिले हैं वो आप देखें, उसको प्यार दें अपना, और आज बहुत कुछ मिला जैसे कि सांबा डियर की कॉल, वो भी करते हुए हमने इसे रिकॉर्ड किया, बहुत रेयर मोमेंट है ठीक, और हो गया आपके सांबा डियर बहुत ज़्यादा मिले, स्पॉटेड डियर एक मिला यूनिक, जिसका एक एंटलर था एक एंटलर नहीं था, एक एंटलर था तो बहुत लंबा था वो, तो फुली ग्रोन था वो, और साथ ही साथ हमने आते आते रात में दिखाया आपको टस्कर एलिफेंट, जी हाँ बहुत ही बड़े साइज़ का टस्कर था वो, मज़ा आ गया।
आपको कितना मज़ा आया वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।